हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा 7वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें जो सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे द्वारा की गई मेहनत को लाइक और शेयर के माध्यम से प्रेरणा देते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला ऑप्शन है आपके सामने डॉलार्ड, दूसरा ऑप्शन है मिलर, तीसरा ऑप्शन है पियाजे, फोर्थ है आपका बेंडुरा और वॉल्टर्स। इसमें आपके सामने पूछा गया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बेंडुरा और वॉल्टर्स द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का आपके प्रतिपादन किया गया। वहीं पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी आपके सामने चार ऑप्शन है, उनमें से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? पहला है आपके सामने विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण पर का संयुक्त परिणाम है, नेक्स्ट है किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, फोर्थ है आपका विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो देखिए, इसमें जो कथन सत्य नहीं है, सबसे पहले आपके इसमें तीन कथन सत्य हैं आपके, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है, पहला विकास निश्चित भाग दिशा में होती है, वृद्धि में विकास वंशानुक्रम वातावरण संयुक्त परिणाम होता है। आपका एक पॉइंट ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अधिगम निरोग्यता वाले बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, तीसरा है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, फोर्थ है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि अधिगम के कुछ पक्षों से भी लोग संघर्ष करते हैं। जो अधिगम निरोग्यता वाले बच्चे होते हैं उनके कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जिनको सीखने के लिए भी बच्चे लगातार संघर्ष करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, यानी वह कौन सी अवस्था होती है जिस अवस्था को हम प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरी है आपकी किशोरावस्था, फोर्थ है आपकी प्रौढ़ावस्था। तो आपका बाल्यावस्था जो होता है वह आपकी प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांटकर खेलते हैं, इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, दूसरा है विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का, तीसरा है एकता एवं सहयोग की भावना, फोर्थ है आपका अहम तथा उच्चता की भावना। तो जब छोटे बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ तो उनमें एकता और सहयोग की भावना का विकास होता है, यानी फिफ्थ का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, यानी वह कौन सी अवस्था होती है जिसके अंतर्गत बच्चा वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लग जाता है। पहला पॉइंट है आपके सामने इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ पॉइंट है आपके सामने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेटिव स्टेज के नाम से भी जानते हैं, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा वस्तुओं को पहचानने और उनमें अंतर करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्दावली, उसकी लंबाई और संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन पहला है बच्चों की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की जांच करना, दूसरा है बच्चों में तथ्यों के संगठन की जांच करना, बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने बच्चों में निर्वाचनात्मकता की जांच करना। तो जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इनके द्वारा जो बच्चों की भाषा विकास हुआ होता है उसकी जांच की जाती है। तो आपका ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा, बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। पहला ऑप्शन, इनमें से बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। अब आपके सामने चार पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। पहला पॉइंट है आपके सामने बालक के विकास, सर्वांगीण विकास पर जोर देना। दूसरा है आपके सामने बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो तीसरा पॉइंट आप देखिए, इसमें से बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर, यह आपका बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। आपका एट्थ का ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो जो आपके सामने ऑप्शन है 100, 110, 120, 140, तो जिस हमने एक वीडियो बनाई थी बुद्धि लब्धि के ऊपर, हमने उसमें बुद्धि लब्धि का सूत्र भी बताया था। तो जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वह मानसिक आयु बट्टे कालक्रमिक यानी वास्तविक आयु होती है गुणा 100। तो इसमें हम करके देख लेते हैं इसको, जो आपकी मानसिक आयु है वह 18 वर्ष है और जो वास्तविक आयु है वह आपकी 15 वर्ष है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 का। देखिए 3 5 15, 3 6 18 और ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स। तो आपका 26 120। तो जो बच्चे की बुद्धि लब्धि निकल के आएगी वह आपके सामने आएगी 120। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व को पता चलता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। फोर्थ है अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि ये आपके जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं वह आपके बुद्धि परीक्षण के महत्व को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर नंबर 4 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। पहला है आपके सामने अलग छात्रों की तुलना करने से। नेक्स्ट है
छात्रों को विद्यमान या औसत छात्र की उपाधि देने से। थर्ड है आपके सामने शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। फोर्थ है आपके सामने फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। तो आपका इसमें आपने बताना था आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को उनमें से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। तो एक शिक्षक को शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों से सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बारे में शिक्षार्थी को आपके जो शिक्षक है उसको सचेत रहना चाहिए। ऑप्शन 11 का तीसरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से सीखने सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन थंडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। आपके थंडाइक द्वारा सीखने के सिद्धांत दिए गए, अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो थंडाइक द्वारा नहीं दिया गया है। तत्परता का सिद्धांत थंडाइक द्वारा दिया गया है, प्रभाव का सिद्धांत थंडाइक द्वारा दिया गया है, अभ्यास का सिद्धांत फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपके सामने स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा होता है अच्छा होता है। नेक्स्ट है, पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है आपके सामने, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो निम्नलिखित आपके सामने चार कथन दे रखे हैं, चार कथनों में से आपको एक सही कथन छांटना था। तो आपका जो स्त्रियों का हस्तलेख होता है जो कि पुरुषों से अपेक्षा कृत अच्छा होता है, पहला पॉइंट इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते ही अगले प्रश्न की ओर। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। यानी जब एक शिक्षक आकलन कर रहा हो तो उस समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या सावधानी उसको बरतनी चाहिए। पहला है शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। दूसरा है शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना। थर्ड है शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना। फोर्थ है आपका, शिक्षार्थियों को मंद कमजोर बुद्धिमान आदि रूप में वर्गीकृत करना। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि जो एक आकलन एक शिक्षक द्वारा आकलन किया जा रहा है तो उस समय एक शिक्षक को कौन सा कार्य करना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन इसका सही होगा, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपके सामने जेम्स ड्रेवर। नेक्स्ट है टॉयलर। थर्ड है स्किनर और फोर्थ है गाल्टन। तो सबसे पहले जो आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयास किया था वह आपके गाल्टन द्वारा किया गया था। ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका जो बताया जाता है वह आपका बताया जाता है ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। यानी अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति ये आपकी किस अवस्था की विशेषता है या किस विशेषता की तरफ ये संकेत करती है। ऑप्शन है आपका पहला शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है आपका किशोरावस्था, फोर्थ है आपका वृद्धावस्था। तो आपका जो पहली अवस्था शैशवावस्था जो होती है उसमें जो बच्चा होता है उसके अंतर्गत अनुकरण एवं दोहराने की
जो प्रवृत्ति होती है वह तीव्र होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, उद्देश्य नहीं है पूछा है इसमें। पहला है आपका याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। दूसरा है छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं प्रवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। फोर्थ है बोधात्मक मनोप्रेरक और भावात्मक कौशल विकास में सहायता करना। आपका ऑप्शन थर्ड जो है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, यह आपका एक उद्देश्य जो है वह उद्देश्य नहीं है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। क्योंकि जो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो आपका उद्देश्य होता है उसके अंतर्गत भी जो अध्यापन एवं जो अधिगम है उसकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह बाल केंद्रित क्रियाकलाप के आधार पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। दूसरा है सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है उनके प्रति नीच जाति होने का भेदभाव करना चाहिए। फोर्थ है उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। तो आपका 19 का ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा कि सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। एक शिक्षक का नजरिया कभी भी किसी छुआछूत या जातिगत भेदभाव के आधार पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। जब आप दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हों तो आपको बताना है कि किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। पहला है जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं। दूसरा है जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। तीसरा है जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ने में उच्च स्तर के होंगे उन बच्चों को कम लाभ होगा क्योंकि वे इतना इसमें रुचि नहीं लेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी वह कौन सा तत्व है जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला है आपका अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने में के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। फोर्थ है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा कि विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं यानी उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। 21 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी जो अधिगम का प्राकृतिक सिद्धांत दशा का सिद्धांत जो दिया गया वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया है। पहला है आपका कर्ट लेविन द्वारा। दूसरा है आपका आशुबेल द्वारा। तीसरा है स्किनर द्वारा और फोर्थ है जीन प्याजे द्वारा। तो अधिगम की प्राकृतिक दशा का सिद्धांत जो दिया गया वह आपके जर्मन के मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। वहीं आप इसके साथ भी हम बताते चलें कि जो आपके बीएफ स्किनर हैं उनके द्वारा यानी स्किनर जो हैं उनके द्वारा अनुबंधन का सिद्धांत तथा जीन प्याजे द्वारा जो बालकों में संज्ञानात्मक विकास होता है उसका सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षण का कार्य प्रमुख कार्य है, यानी जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही हो उसके अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। दूसरा है बालकों को पढ़ाना। तीसरा है आपके सामने बालक का
ज्ञानवर्धन करना, फोर्थ है बालकों को अच्छे संस्कार में डालना। तो जो अधिगम शिक्षक के अंतर्गत प्रमुख कार्य आपका जो होता है, बालकों को सीखने के लिए अप्रेरित करना, पहला पॉइंट इसका यानी पहला जो ऑप्शन है आपका वह सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। पहला है आपके सामने भाषा संप्रेषण में निपुणता, दूसरा है आपके सामने असीमित कल्पना शक्ति, तीसरा है बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, नेक्स्ट है उसकी बोलने की गति। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का आपका पहला ऑप्शन सही होगा, भाषा संप्रेषण में निपुणता, क्योंकि जो आपकी सोचने की जो प्रक्रिया होती है वह सोचने की एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो आपके ज्ञान को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानसों पर प्रयोग उल्लेखनीय है, यानी वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा अंतर्दृष्टि विधि के समय जो उन्होंने सिद्धांत दिया उनका जो प्रयोग था वह वन मानसों पर किया गया था। आपके थांडा एक ऑप्शन पहला है, दूसरा है कॉलर के द्वारा, तीसरा है स्किनर के द्वारा, फोर्थ है आपका जीन पियाजे के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, कॉलर द्वारा एक सुल्तान नाम के चिंपेजी पर यानी वनमानस पर एक प्रयोग किया गया था। इस सिद्धांत को हम अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी बालक का व्यक्तित्व तो वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है, योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप, या ऑप्शन नंबर 24 है आपका धनात्मक प्रतिरूप। तो जो किसी बालक का आपका व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का जो संयोग होता है वह तीनों का ही गुणात्मक प्रतिरूप होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला ऑप्शन है आपका, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना तभी सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तीसरा है, शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा शिक्षा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। फोर्थ है आपका, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर 24 सही उत्तर होगा कि जो आपका आवेजन अधिगम सिद्धांत है उसके द्वारा जो शिक्षार्थियों के लिए जो अधिगम स्रोत यानी जो भी शिक्षण सामग्री होती है उनकी व्यवस्था करने में उनकी सहायता करता है या सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा को कर अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करती है, यानी जो समावेशी शिक्षा है वह किनको शामिल करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। पहला ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली, केवल दूसरा है केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। तो जो आपकी समावेशी शिक्षा जो होती है उसके अंतर्गत आपके सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं, चाहे वह सामान्य बच्चा हो या वह आपका किसी भी प्रकार से अधिगम करने में दिक्कत पाने वाला बच्चा हो। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सामान्य एवं अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिखने चलने पहले बोलने की क्षमता अक्षमता होती है, यानी वह कौन सी अक्षमता होती है। आपके सामने चार प्रकार की बीमारियों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि लिखने चलने और टहलने और बोलने की जो अक्षमता होती है वह किस बीमारी के अंतर्गत होती है। तो आपका ऑप्शन है पहला अपरेक्सिया, दूसरा है डिस्फेजिया, तीसरा है डिसग्राफिया और फोर्थ है अफेजिया। तो आपकी जो अफेग्रेसिया होती है पहला ऑप्शन, इसके कारण बच्चे चलने लिखने टहलने बोलने की दिक्कत होती है और इसका जो प्रभाव होता है वह बच्चे के जो आपका सेरेब्रम होता है उसमें क्षति के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर
29th का आपका पहला ऑप्शन सही होगा, अपेक्षिया। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता, दूसरा है आर्थिक न्याय एवं समानता, तीसरा है सामाजिक न्याय एवं समानता, फोर्थ है आपके सामने राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता। तो जो राष्ट्रीय रूप पाठ्यचर्या रूपरेखा की जो 2005 की थी वह आपका सामाजिक न्याय एवं समानता की जो उद्देश्य है उसको निर्देशित करता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। तो यह था फ्रेंड्स आज के लिए। अगर आपको यह हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो मित्र सीटेट 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I carry my heart.